तो नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त राहुल उन्होंने, और आप देख रहे हैं अरिंता ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैं आपको एस फॉर शू और एस फॉर सैंडल कैसे ड्रॉ करते हैं ये इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप देखिए, मैंने एस बनाया है, लेकिन एस का जो ऊपर का हिस्सा है वो ज़्यादा बड़ा बनाया है और नीचे का हिस्सा थोड़ा पतला बनाया है। और ऊपर के हिस्से के पास मैंने एक ओवल ड्रॉ किया है, जहां हम शू में पैर डालते हैं वैसा एक छेद होता है वैसे उसके लिए। तो आप देखिए, बहुत आसान है, ऐसे भी आप शू ड्रॉ कर सकते हैं। ये सच में बहुत आसान है, अगर आप इस नज़रिए से सोचो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ड्राइंग करना, अल्फ़ाबेट सीखना। सैंडल के लिए भी मैं सेम एस ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ सैंडल के लिए मैं कैसे एस ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको इसको एस की तरह ही सोचना है, सैंडल की तरह नहीं सोचना है। जब आप इस एस की तरह सोचोगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। देखिए कैसे मैं एक सैंडल एस के थ्रू निकाल रहा हूँ। देखिए, ये सैंडल के ऊपर जो पट्टे होते हैं उसका एक डिज़ाइन मैंने बनाया है, और बैक साइड में एक ओवल लेके उसको लाइन को हील के साथ मैंने जोड़ दिया है। जैसे ही हमारा ड्राइंग पूरा हो जाता है, हम करते हैं इसे आउटलाइन। तो आउटलाइन करने के लिए मैंने लिया है ब्लैक स्केच पेन। तो देखिए, इस ब्लैक स्केच पेन से मैं आउटलाइन कैसे वन स्ट्रोक में करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप वन स्ट्रोक में करने का कोशिश करते हैं या करते हैं तो आपका ड्राइंग नीट और क्लीन अच्छा दिखने लगता है। देखिए, और जब तक कि मेरी आउटलाइन पूरी हो जाए तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि आपके जैसा अच्छा ड्राइंग आपके दोस्त भी कर पाए और उनका भी ड्राइंग इम्प्रूव हो। अभी मेरी आउटलाइन पूरी हो गई है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, इरेज करते वक्त आपको पेज को दूसरे हाथों से अच्छे से होल्ड करके रखना है, नहीं तो आपका पेज फोल्ड हो सकता है या स्लाइड हो सकता है या फट भी सकता है। तो जैसे ये मेरा पूरा हो जाएगा, तो अभी मैं इसको कलरिंग स्टार्ट करूँगा। कलरिंग स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ ले लूँगा अभी लाइट ब्लू कलर, जो शू के लिए मुझे चाहिए। मैंने शू को वाइट ही रखा है, क्योंकि कम समय में हम अच्छा कलर कर पाए। सिर्फ उसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन में हम कलर करेंगे, क्योंकि बड़ा एरिया उसका वाइट है, वाइट छोड़ देंगे तो वाइट शू बन जाएगा। ठीक है, और आगे के हिस्से में मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कर रहा हूँ। देखिए, और यहाँ मैंने लिया है पिंक कलर, क्योंकि गर्ल्स को पिंक पसंद होता है। देखिए, और सैंडल के आगे के हिस्से में मैं करूँगा डार्क पिंक कलर। देखिए, और सोल में करेंगे हम डार्क ब्राउन, क्योंकि सोल हमेशा नीचे होता है, तो उसको डार्क कलर दिया तो और भी वो अच्छा दिखता है। तो इसके लिए मैंने इसको सोल को डार्क ब्राउन दे दिया है, दोनों के सोल को। आप देख सकते हैं, शू का और सैंडल का दोनों सोल हमने एक जैसे ही बना दिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये दोनों चीज़ें आज सीखने को मिली है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।